हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज भी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें चार नंबर का फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, आपको तीन फिगर्स ऑफ स्पीच दिए जाते हैं, जिनमें से केवल एक फिगर ऑफ स्पीच का आपको डिफिनेशन के साथ दो एग्जाम्पल शो करना होता है। तो कुल आपको सात फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने होते हैं इंटरमीडिएट में। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को सीखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिएगा और आसानी से आप चार नंबर गेट कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बगैर समय वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। तो अलंकार का डिफिनेशन आप हिंदी में इस तरह से पढ़े होंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होता है। तो इंग्लिश में जो आपको अलंकार का डिफिनेशन देखने को मिलता है, वह कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ words with a view to increasing their effect तो यह हमारा डिफिनेशन होता है किसका? फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अलंकार का। तो अ फिगर ऑफ स्पीच इज द डिविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग दियर इफेक्ट, अर्थात काव्य प्रकाशन की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो यह तो हो गया हमारा इंग्लिश में डिफिनेशन। तो आपसे फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको मैं जो सात इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा उसमें से कोई आपको देखने को मिलेगा, यानी तीन तो आपको पूछा जाएगा, केवल एक का आपको डिफिनेशन के साथ तो एग्जाम्पल देना होगा। तो वैसे तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम इस वीडियो में सात फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं सेवन इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला जो है आपका हुआ है सिमली। ठीक है, सिमली जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। और जो हमारा दूसरा है वह है मेटाफर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। और हमारा जो तीसरा है वह है पर्सनिफिकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। इसी तरह मैं आपको सात फिगर ऑफ स्पीच और लिखकर दिखाऊंगा, यानी कि अभी तो तीन, तो फिलहाल मैं तीन के बारे में आपको डिफिनेशन और दो एग्जांपल भी शो कर देता हूं, दो से ज़्यादा एग्जांपल शो करूंगा ताकि आपको कोई भी दो आसानी से एग्जाम्पल लर्न हो जाए। ठीक है, अभी मैं और भी लिखूँगा, फिलहाल अभी इन तीनों को मैं अच्छी तरह आपको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं साथ ही में। और जो चौथा आपका फिगर ऑफ स्पीच है वह है अपोस्ट्रोफी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संबोधन, यानी संबोधन अलंकार। और आपका जो पांचवा है वह है ऑक्सीमोरन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, इसमें विरोध का आभास होता है तो विरोधाभास इसका नाम पड़ गया है। इसके बाद हमारा जो छठा है वह है हाइपरबोल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो यह हमारा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। और लास्ट वाला जो हमारा सातवां है, हम लोग इन्हीं सात अलंकार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सातों में से कोई तीन आपको देखने को मिलेगा। तो ओनोमेटोपोया, तो यह आपका होता है हिंदी में ध्वनि सूचक, ओनोमोटोपोइया। तो यह आपका लास्ट जो सातवां इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वह है ओनोमोटोपोइया।
तो यह सात फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनका डिफिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ इनके हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमिली अलंकार को, यानी कि उपमा अलंकार को। तो मैं जल्दी से इनको मिटा देता हूँ। तो आपको यह जो सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोया, एपोस्ट्रोफी, यह सब देखने को मिल रहा है इनका। अगर आपको अच्छी तरह से स्पेलिंग याद नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पेपर में यह सब देखने को मिल जाएगा पूरे स्पेलिंग के साथ। केवल आपको डिफिनेशन लिखना होगा और दो एग्जाम्पल शो करना होगा। आपके पास तीन फिगर आप स्पीच देखने को मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं सिमिली यानी कि उपमा अलंकार का डिफिनेशन। सिमिली, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग उपमा अलंकार, सिंपल सा डिफिनेशन आपको याद करना है ताकि आपको किसी तरह से लर्न करने में या किसी तरह से लिखने में या प्रॉब्लम ना आए आपको। तो डिफिनेशन यानी कि परिभाषा, अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, which have at least one point in common. The words as like are so are used for comparison. तो यह सिमिली अर्थात उपमा अलंकार का बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है जो कि आपको एक्सेलेंट के ग्रामर में देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, द वर्ड्स एज लाइक आर सो आर यूज फॉर कंपैरिजन। अर्थात उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं के मध्य क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। Which have at least one point in common, जिसमें कम से कम एक गुण क्या होता है, यानी एक जो पॉइंट है, एक बात या एक गुण होता है वह समान होता है। The words as like are so are used for comparison, यानी as like अथवा so शब्द का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है। A simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common, the words as like are so are used for comparison। अर्थात उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं के मध्य तुलना किया जाता है और जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है तथा तुलना प्रकट करने के लिए एज लाइक अथवा सो शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, या एज लाइक अथवा सो शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल शो करूंगा ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग पहला जो इसका एग्जाम्पल है बहुत ही आसान है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यानी वह ओस की तरह तरोताजी है, वह ओस की तरह तरोताजी है। देख सकते हैं एज आ चुका है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यानी सी की तुलना ड्यू से कर दी गई। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हो गई। इसके बाद अगर एक ही प्रकार की वस्तुओं की भी तुलना किया जाता है तो आपका जो है पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, जो कि मैं आपको डिग्री में बताया हुआ हूँ। अगर आप डिग्री का वीडियो वॉच नहीं किए तो उसे आप वॉच कर लीजिए, समझ जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है वह भी बहुत ही आसान सा, मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ। वी बियर हर एलॉन्ग लाइक अ पर्ल, लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी। तो यह दूसरा एग्जाम्पल है। वी बियर हर एलॉन्ग, यहाँ हर जो है पालकी के लिए प्रयोग किया गया है। आप कक्षा 11 में पालकी बियरर नामक लेसन पढ़े होंगे। वी बियर हर एलॉन्ग, हम लोग पालकी को साथ में इस तरह से लेकर, बियर मतलब होता है आगे बढ़ना या लेकर चलना। वी बियर हर एलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, यानी हम लोग पालकी को साथ में लेकर इस तरह से आगे बढ़ते हैं, लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे कि एक धागे पे लटका हुआ एक क्या हो, मोती हो। वी बियर हर एलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, यानी हम लोग पालकी को लेकर साथ में आगे इस प्रकार से बढ़ते हैं जैसे कि एक धागे पे लटका हुआ एक मोती हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइक वर्ड आ चुका है। तो यह दोनों ही एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से माइंड कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको दो एग्जाम्पल और भी बता देता हूँ। जैसे इट ड्रॉपेथ एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी
इट ड्रॉपेथ एट द जेंटर रन फ्रॉम हेवन, एक यह याद कर सकते हैं आप, मर्सी नामक लेसन में इसको पा सकते हैं। इसके बाद या फिर आप पालकी मिरर का एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही सरल सा है, वह भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जो तो यही बेस्ट है, आप इसी को लर्न कर लीजिए। या फिर मैं दूसरा पालकी मिरर का एक एग्जाम्पल आपको शो कर देता हूँ, तो सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, अर्थात पालकी हम लोगों के गीत के ओस में एक तारे के समान लटकी होती है। तो यह दोनों याद कर लीजिए, सिंपल है और आपके लिए आसान भी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मेटाफर अर्थात रूपक अलंकार के डिफिनेशन को, और उसको भी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो जल्दी से मैं मिटा देता हूँ। तो दूसरा हम लोग देखते हैं जो वह है हमारा दूसरा अलंकार मेटाफर, यानी कि रूपक अलंकार। तो इसका भी डिफिनेशन देखते हैं। इसका परिभाषा भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है। तो इन मेटाफर यानी रूपक अलंकार में इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम द वर्ड ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड अर्थात इन मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार में द थिंग्स कंपेयर्ड यानी तुलना की गई चीज़ें या बातें आर ट्रीटेड एज वन, एक ही मान लिए जाते हैं, एंड द सेम और एक समान मान लिए जाते हैं, यानी कि रूपक अलंकार में तुलना की गई वस्तुओं या बातों को एक ही मान लिया जाता है। द वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज यानी तुलना प्रकट करने वाले शब्दों एज लाइक अथवा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें तुलना की गई बातों को एक ही मान लिया जाता है और तुलना प्रकट करने के लिए एज लाइक अथवा सो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो या इसके बाद हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए मैं आपको अच्छा इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि आपका जो यह सिमिली यानी उपमा अलंकार था उसमें यानी कि जो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना किया जा रहा था उसमें कम से कम एक गुण समान होता था, एक ही गुण कम से कम समान होता था, दो भी हो सकते थे लेकिन कम से कम एक गुण समान होता था। लेकिन जो हमारा मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार है इसमें जिन वस्तुओं या व्यक्तियों का तुलना किया जाएगा उनके सारे गुण एक समान हो जाएंगे, यानी कि उसमें उस वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है, यानी कि सारे गुण समान हो जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप इस तरह से बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है जो लाइफ इज अ ड्रीम, यानी जीवन क्या है, एक स्वप्न के समान, इसमें के समान की तरह ऐसे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें एज लाइक सो क्या है छिपे हुए हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक क्या है, स्वप्न के समान है, या जीवन एक स्वप्न है, यानी जीवन एक स्वप्न के समान है या जीवन एक स्वप्न की तरह है। यह बहुत ही आसान, इसको आप लर्न कर सकते हैं या फिर आप दूसरा भी लर्न कर सकते हैं, जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी जीवन फूलों की एक सेज नहीं है। या तीसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको और शो कर देता हूँ, आई सी अ लीली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे मस्तक पर कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ, अर्थात तुम्हारा मस्तक कुमुदनी के पुष्प के समान क्या हो गया है, सफ़ेद हो गया है। तो इस तरह से इन तीनों में से आप कोई भी दो एग्जांपल याद कर सकते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइड जस्टिस, अर्थात बदला एक प्रकार का असभ्य न्याय के समान होता है। इसी तरह आप और भी बहुत सारे एग्जांपल याद कर सकते हैं, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कैमल इज द सीप ऑफ डेजर्ट। तो यह इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसका देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह जो मैंने तीन एग्जाम्पल शो किए हैं काफ़ी आसान है, आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो अलंकार इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वह है पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार। तो इसका भी हम लोग डिफिनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको कम ही शो करूँगा और
बता दूंगा कुछ जो भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि अब पहले पूछता था कि कौन सा फिगर आप स्पीच पहचानने के लिए, अब केवल आपको एग्जांपल डेफिनेशन के साथ तो एग्जांपल देना है। तो तीसरा जो हमारा अलंकार है आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, वह है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार पर्सनिफिकेशन। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ आपको। तो इसका डेफिनेशन है इन पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार में, इन पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में द लाइफलेस यानी निर्जीव, इन पर्सनिफिकेशन द लाइफलेस ऑब्जेक्ट, इन पर्सनिफिकेशन द लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट आइडियाज आर आर थॉट। इन पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार में द लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव वस्तुएं एंड अबस्ट्रैक्ट आइडियाज यानी कि भावात्मक विचारों को आर थॉट ऑफ मान लिया जाता है, आर थॉट ऑफ एज अ पर्सन हैविंग लाइफ, एज अ पर्सन, एज पर्सन हैविंग लाइफ। तो यह डिफिनेशन हो गया इन पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार में द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अबस्ट्रैक्ट आइडियाज, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अबस्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज अ पर्सन हैविंग लाइफ, यानी मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावात्मक विचार को एक व्यक्ति के रूप में सजीव मानकर क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यह अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, एट द डोर बट वंस, यानी अवसर दरवाजे पर केवल एक बार दस्तक देती है, यानी कि अवसर दरवाजे को केवल एक बार ही खटखटाती है। तो खटखटाने का काम कोई व्यक्ति करेगा न कि अपॉर्चुनिटी करेगा, तो इसे व्यक्ति के रूप में क्या माना गया है, सजीव, इस वजह से यह मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको शो करता हूँ जो कि काफ़ी सिंपल है, लव इज ब्लाइंड, यानी कि प्रेम क्या होता है, अंधा होता है, यानी प्रेम अंधा होता है। तो लव ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है, तो जाहिर सी बात है अंधा कोई व्यक्ति होगा, तो लव को व्यक्ति के रूप में सजीव माना गया है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ ताकि आप अगर इसमें से कोई एक भूल भी जाते हैं तो एक और आपको याद रहे, जैसे एंगजाइटी यानी चिंता, एंगजाइटी इज सिटिंग, एंगजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता उसके चेहरे पर क्या है, बैठी हुई है। एंगजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो बैठने का कार्य कोई सजीव व्यक्ति करेगा, तो यहाँ पर एंगजाइटी को क्या माना गया है, व्यक्ति के रूप में सजीव माना गया है। इसी तरह एक एग्जांपल और मैं शो कर देता हूँ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो यहाँ पर अनुभव को माना गया है अध्यापक अर्थात व्यक्ति माना गया है, इस वजह से यह आपका हो गया पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार। तो यह चार एग्जांपल हो गए, मैं आपको एक अगर एग्जांपल बता भी देता हूँ, जैसे बट पैटियंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, लेकिन धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकता है, जल्द ही उत्तर देता है। तो उत्तर देने का काम कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है। इसी तरह से द मून वेल्ड हर फेस, यानी कि चंद्रमा अपने चेहरे को घूंघट कर लिया अर्थात चंद्रमा अपने चेहरे को ढक लिया, तो ढकने का या घूंघट करने का काम कोई व्यक्ति करेगा। तो इस वजह से इसमें भी मून को मानव माना गया है, तो इस वजह से इस वाक्य में भी पर्सनिफिकेशन अलंकार है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा अलंकार एपोस्ट्रॉफी। तो जल्दी इसमें मिटा देता हूँ, सॉरी, तो जो हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है वह है अपॉस्ट्रोफी अर्थात संबोधन अलंकार। अपॉस्ट्रोफी हिंदी में कहते हैं संबोधन। तो यह अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डिफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, पेचीला है, तो अच्छी तरह से आप माइंड कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी से आपको डिफिनेशन शो कर देता हूँ इसका, एंड अपॉस्ट्रोफी, एंड अपॉस्ट्रोफी इज अ
डायरेक्ट एड्रेस टू द डेट टू द अब्सेंट आर टू अ परेशानी फिट टू अ परेशानी फिट ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो यह डिफिनेशन होता है एपोस्ट्रॉफी का, था संबोधन अलंकार का। एन एपोस्ट्रॉफी या डायरेक्ट एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना। टू द डेट यानी कि संबोधन अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें मृत, अनुपस्थित या भावों या विचारों को एक व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जाता है। यानी एन एपोस्ट्रॉफी या डायरेक्ट एड्रेस टू द डेट टू अब्सेंट टू द अब्सेंट और टू अ परेशानी फिट ऑब्जेक्ट और आइडिया, अर्थात संबोधन अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें मृत, अनुपस्थित या विचारों या फिर भावों को व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें संबोधन का चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा, एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह देखने को मिल जाएगा। तो इसका एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ, क्योंकि इसमें संबोधित किया जाता है इस वजह से आपको संबोधन का चिन्ह अर्थात एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह देखने को मिलेगा। तो पहला एग्जाम्पल है ओ डेथ हे मृत्यु। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह देखने को मिल गया, संबोधित किया जा रहा है, डेथ को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, ओ डेथ कम सून जल्द ही आओ। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है ओ लिबर्टी हे आज़ादी व्हाई आर यू सो डियर, व्हाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो, यानी हे आज़ादी तुम इतनी प्रिय क्यों हो। या फिर एक एग्जांपल और आप माइंड कर सकते हैं ओ ग्रेव अर्थात हे मृत्यु या हे कब्र वेयर इज दाई विक्ट्री, यानी तुम्हें कहाँ जीता जा सकता है, तुम्हारी विजय कहाँ है, वेयर इज दाई विक्ट्री, यानी हे मृत्यु तुमको कहाँ जीता जा सकता है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी विजय कहाँ है। तो यह हो गया तीन एग्जांपल, इसमें से आप दो अच्छी तरह से माइंड कर लीजिएगा, तीनों माइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर आपको एक न याद आ रहा हो उस समय तो आप एक दूसरा लिख सकें। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले फिगर आप स्पीच की तरफ। तो चार फिगर आप स्पीच हो गए हैं, मैं आपको सातों फिगर आप स्पीच शो कर देता हूं डिफिनेशन और दो एग्जांपल के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बोर्ड एग्जाम में, या क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तुम्हारा जो पाँचवा फिगर आप स्पीच है वह है ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभास। तो यह बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान भी है, विरोधाभास यानी ऐसा अलंकार जिसमें विरोध का अभाव हो। तो इसका डिफिनेशन मैं आपको शो कर देता हूँ जल्दी से, आपको केवल इसको करने का मतलब है रट लेना है डिफिनेशन और दो एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो इन दिस फिगर आप स्पीच यानी इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग अर्थात इस अलंकार में एक ही वस्तु के दो विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, दो विरोधी गुण जोड़ दिए जाते हैं। यानी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अर्थात इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटी मतलब दो विरोधी गुण या दो विपरीत गुण आर एडेड जोड़ दिए जाते हैं टू द सेम थिंग एक ही वस्तु से या एक ही चीज़ से। अर्थात ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभास अलंकार में एक ही वस्तु के परस्पर दो विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, यानी एक ही वस्तु में उसके दो विरोधी गुणों को दिखाया जाएगा। इसको एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं, मैं एग्जाम्पल भी आपको शो कर देता हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। तो जैसे इट इज़ एन ओपन सीक्रेट या एक खुला रहस्य, अब खुल गया है तो यह रहस्य नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें विरोध है। ठीक है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट या एक खुला रहस्य है, तो ओपन और सीक्रेट में विरोध है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर वह नियमित रूप से अनियमित है, वह कह रहा है कि वह नियमित रूप से अनियमित है, नियमित कर रहा है फिर कर रहा है अनियमित, तो इसमें दोनों में विरोध है। तो ही इज रेगुलरली इरेगुलर यानी वह नियमित रूप से, ही इज रेगुलरली इरेगुलर यानी वह नियमित रूप से अनियमित है।
एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लाइफ इज अ बीटर स्वीट, जीवन एक कड़वा स्वाद है, कह रहा है कि कड़वा है फिर इधर कह रहा है स्वाद है, तो दोनों में विरोध है। तो ये आपका हो गया एक और एक एग्जांपल, मैं आपको और शो कर देता हूँ जो क्या क्या आपके पोएट्री यानी कि किताब में देखने को मिल जाएगा। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ आल, तो ये आपको करेक्टर आप हैप्पी लाइफ में मिल जाएगा। ही हैथ आल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है, एक बार कह रहा है कुछ भी नहीं है फिर कह रहा है सब कुछ है, तो दोनों में विरोध है। तो यह हो गया हमारा ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभास अलंकार। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं हाइपरबोल अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार को। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ आपको समझाना है ही नहीं, आपको केवल एक डेफिनेशन और दो एग्जांपल याद करने हैं, यानी कि तीन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें से केवल एक अलंकार का आपको डेफिनेशन और दो एग्जांपल लिखना है। तो कम से कम चार फिगर आप स्पीच का डेफिनेशन और दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, ताकि आप 100% श्योर हो सकें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। इसके बाद हमारा जो छठा है अलंकार हुआ है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसका भी डिफिनेशन मैं जल्दी से शो कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जा रहा है। तो लिखते हैं इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन, यानी वस्तुओं को दिखाया जाता है। इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस बेटर आर वार्ज देन दे रियली आर। अर्थात इन हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार में थिंग्स आर सोन यानी कि चीज़ों को या बातों को दिखाया जाता है एज ग्रेटर, अधिक बढ़ाकर, आर लेस अथवा अधिक घटाकर, बेटर अधिक अच्छा, आर वार्ज अथवा अधिक खराब, देन दे रियली आर जितना कि वे वास्तव में है। यानी अतिशयोक्ति अलंकार में बातों या चीज़ों को उनकी वास्तविकता की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ाकर या घटाकर या बहुत अधिक अच्छा या बहुत अधिक खराब दिखाया जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, तो एग्जांपल याद कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको शो कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जा रहा है। तो जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगो युगो से नहीं देखा है। तो युगों युगों से बातों को काफ़ी अधिक बढ़ा दिया, मैंने उसे युगों युगों से नहीं देखा है, काफ़ी बातों को बढ़ा दिया, इसलिए आपका अतिशयोक्ति हाइपरबोल अलंकार हो गया। इसके बाद इसी तरह से आपको और भी एग्जांपल दिखा देते हैं। द वेव्स मतलब लहरें रोज माउंटेन हाई द वेव्स रोज माउंटेन हाई, यानी कि लहरें पर्वतों जितना ऊंचा उठी, तो इसमें भी बातों को क्या किया गया है, काफ़ी अधिक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, रोज़ की जगह आपको रोल्ड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसमें को लेकर आप कंफ्यूज मत रहिएगा। इसी तरह मैं आपको और भी एग्जांपल शो कर देता हूँ, ठीक है, तो यह वाला जो एग्जांपल है वह काफ़ी सरल होगा। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोविड इन द बाटल, यानी कि युद्ध में खून की क्या हो गई, नदियाँ बह गई। तो इस तरह से यह भी आप याद कर सकते हैं, या फिर एक और भी सरल है, यह भी बहुत आसान है, यह भी आप याद कर सकते हैं। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, तो इसमें भी देख सकते हैं सब में बातों को बहुत अधिक बढ़ाकर दिखाया गया है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगों युगों से नहीं देखा है। द माउंटेन रोज माउंटेन हाई, यहाँ पर रोल्ड भी लिखा जा सकता है, यानी लहरें पर्वतों जितना ऊंचा उठी, बातों को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोइड इन द बाटल, यानी कि युद्ध में खून की नदियां प्रवाहित हो गई या बह गई, यह भी बातों को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, यानी वह इतनी आंसू को प्रवाहित की जितना कि महासागर में क्या है, जल है या फिर पानी है, तो यह भी बातों को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। अगर मैं घटाने का एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ जिसमें बातों को बहुत अधिक घटा कर दिखाया गया हो, तो ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटल हैंड, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटल हैंड, यानी कि अरब देश का संपूर्ण इत्र इस छोटे हाथ को नहीं महका पाएगा, बातों को बहुत अधिक घटा दिया। इत्र का थोड़ा ही बूंद किसी भी हाथ को महका देने के लिए क्या होता है, काफ़ी होता है, तो बातों को बहुत अधिक को क्या कर दिया, घटा दिया। अब हम लास्ट में चलते हैं, अंतिम जो हमारा अलंकार है ओनोमोटोपोइया, इसका स्पेलिंग ध्यान से माइंड कर लीजिएगा, आपको ऐसे भी पेपर में देखने को मिल जाएगा।
ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार। तुम्हारा लास्ट है सातवां ओनोमेटापोइया अर्थात ध्वनि सूचक अलंकार यानी ध्वनि सूचक। तो ध्वनि सूचक अलंकार हम लोग अब देखेंगे, इसका डिफिनेशन मैं शो कर देता हूँ जल्दी से आपको। तो केवल इसमें आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, दो एग्जांपल के साथ डिफिनेशन याद रख लेना है, सारे जो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच यानी इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। देखिए इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अर्थात इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग यानी शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच यानी कि इस अलंकार में द साउंड मतलब आवाज, सजेस्टन मतलब सुझाव देता है, द सेंस मतलब भाव का और मीनिंग अथवा अर्थ का यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार में शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। एग्जाम्पल भी शो कर देता हूँ। तो आपको केवल करना यही है कि इसमें दो एग्जाम्पल के साथ डिफिनेशन याद रखना है। तो इसमें आपको आवाज़ वाले शब्द देखने को मिल जाएंगे, जैसे द कैट्स म्यू यानी बिल्लियाँ म्यू व्यू करती हैं, तो द कैट्स म्यू, तो यहाँ पर बिल्लियों की आवाज़ आपको देखने को म्यू के रूप में मिल जाएगी, तो आपका ध्वनि सूचक है। इसी तरह से बीज हम मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं, तो यहाँ पर भी हम आपको आवाज़ करने वाला शब्द देखने को मिल गया। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जैसे मरमरिंग ऑफ इन नंबरेबल बीज यानी असंख्य मधुमक्खियों के भिन भिनाने की आवाज़, तो यहाँ पर भी मर्मरिंग आपको देखने को मिल रहा है। या फिर एक एग्जांपल और मैं आपको शो कर देता हूँ, द सरफ्यू, ये आपको किताब में देखने को मिल जाएगा आपके पोट्री के, द सरफ्यू टोल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे, द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे, तो अगर कट रहा होगा तो सुन लीजिएगा उधर, द सरफ्यू टोल्स अर्थात गिरजाघर की घंटी बजती है, द नेल मतलब घंटी की आवाज़ ऑफ अ पार्टिंग डे दिन विदाई का है, द सरफ्यू टोल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे। तो यहाँ पर देख सकते हैं घंटी की आवाज़ का बोध हुआ है, इस वजह से यह ओनोमेटोपोइया था ध्वनि सूचक अलंकार है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसे आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में आपको शो किया तो इन्हें अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। और जाते जाते मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आपको कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को सेंड करना है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर मैं आपको कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आपको बताना है कि यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल यानी वह, अब यह आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और अपने आंसर को सेंड करना है कमेंट के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और थोड़ा बोरिंग भी रहा होगा, बट आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।